जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 26 जनवरी 2021 प्रजासत्ताक दिन। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को जो संविधान दिया, आज वो लागू हुआ। इस दिन की आप सभी लोगों को, मेरे जो सुन रहे हैं उन सभी लोगों को आज के दिन की ढेर सारी मंगल कामना है। आज ऐसा दिन है, देखिए अभी मेरी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर मैंने आज के दिन का महत्व समझाया। कई सारे लोगों को तो प्रजासत्ताक दिन का महत्व क्या है, इसकी जानकारी क्या है, वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। हमारे गलियों में, शहरों में आज गाने बजते हैं कि जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। आज के दिन कोई शहीद नहीं हुआ, आज के दिन कोई लड़ाई नहीं हुई थी। 26 जनवरी का और युद्ध का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज वो ऐसा दिन है जो संविधान आज सुबह 11 बजे से लागू हो गया था, आज वो दिन है। और ये ऐसा दिन है कि देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब बड़ौदा में अपने नौकरी के संबंध में जब बड़ौदा में गए, तब वहां पर कोई उन्हें रहने के लिए मकान नहीं दे रहा था, कोई उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दे रहा था। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक पारसी धर्मशाला में, वहां पर ज्यादा पैसे देकर बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां पर रुके। लेकिन जब पारसियों को पता चला कि एक अछूत जाति का व्यक्ति हमारे होटल में, या कहो कि धर्मशाला में रुका है, तो वो सारे पारसी मिलकर वहां पर उस धर्मशाला पर आए, बाबा साहब को धमकी दी, बाबा साहब को मारने की धमकी दी, और बाबा साहब को उस होटल को या उस धर्मशाला को छोड़ना पड़ा। और वो ऐसा दौर था कि तब संविधान इस देश में बना नहीं था, लागू नहीं था, और आज का दिन ऐसा है कि आज संविधान लागू है। तो ये कंपैरिजन में बताना चाहता हूं कि जब संविधान नहीं था, तब संविधान निर्माता को, संविधान जिन्होंने निर्माण किया है, उन्हें धर्मशाला में भी प्रवेश नहीं था, और आज जब संविधान लागू है, तब उन्हीं का परपोता 5 स्टार होटल में बैठा है। और ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। हम अपने अपने शरीर के, अपने चमड़े के जूते भी अगर बाबा साहब के लिए बनाए, तब भी वो काफी नहीं होगा। हम अपनी हजारों पीढ़ियां भी बाबा साहब पे कुर्बान कर दे, तब भी बाबा साहब का जो देन है, बाबा साहब का जो हमारे लिए काम है, हम उसका कभी भी योगदान अदा नहीं कर पाएंगे, उनकी कभी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज के दिन बाबा साहब को थैंक यू बोलने के लिए आज आपके सामने आया हूं। हम सभी लोगों को आज बाबा साहब को थैंक यू बोलना चाहिए कि बाबा साहब आपके संविधान की वजह से आज जिस बच्चे को स्कूल के बाहर बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, स्कूल के टैप का, नल का पानी भी पीने से इनकार कर दिया गया था, पानी तक पीने की सुविधा नहीं थी, आज उन्हीं बाबा साहब के संविधान की वजह से, एक बोतल दीजिए ना, वो जिनको बाबा साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्हीं बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम लोग ये इंपोर्टेड पानी पीते हैं। तो ये बाबा साहब की देन है, इसलिए आज हम सभी लोगों को बाबा साहब को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू बाबा साहब, आपकी वजह से आज हम इस देश में एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ 72 ईयर्स हुए हैं, 72 साल हुए हैं इस देश को संविधान को लागू किए हुए। 72 साल में इन लोगों को इतनी दिक्कत हो गई, मोदी जी को इतनी दिक्कत हो रही है कि संविधान को हटाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि देखिए, आज ये जो संविधान है, ये संविधान 10% भी लागू नहीं हुआ है। 10% भी लागू न होने के बावजूद भी बाबा साहब के कम्युनिटी ने, या इस देश के लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, जिन लोगों को रास्तों पर चलने के लिए मनाई कर दी गई थी, बैलगाड़ी में बैठने की मनाई कर दी गई थी, आज वो लोग हवाई जहाज में बैठते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन है, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। तो आज थोड़ी देर में मैं किसानों के रैली में, ट्रैक्टर रैली में शरीक होने जा रहा हूं। अगर वहां पर मुझे नेटवर्क मिला तो मैं आप लोगों के लिए लाइव करके आज किसानों, और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ अपनी जमीन बचाने के, ये MSP हटाने का आंदोलन नहीं है,
ये आंदोलन सही मायने में लोकतंत्र को बचाने का है, प्रजासत्ताक जो संविधान बाबा साहब ने दिया है उसको बचाने का है। आज दो रैलियां इसी दिल्ली में हो रही है, एक रैली हो रही है राष्ट्रपति भवन पे जहां पर झांकियां दिखाई जाएगी, और एक रैली हो रही है इस गाजीपुर बॉर्डर सिंघू बॉर्डर पे, जो सही मायने में देश के लोकतंत्र को बचाने वाली ये रैली ने है। बताया था कि गाजीपुर बॉर्डर से किसान रैली यहाँ पर निकली है। अगर मैं शूट कर पाया तो आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी मैं टेरेस पे हूँ, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी ये रैली है। देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हो, बराबर 11 बजे ये गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। हमारी भी गाड़ियाँ नीचे हैं, जो बाबा साहब का फोटो धम्मध्वज लगाकर सारी गाड़ियाँ रेडी है। अब जैसे ये गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएंगी, हम भी इस रैली का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। ये गाड़ियाँ कल रात से आना शुरू हुई है, थोड़ी देर पहले 1-2 किलोमीटर तक की जो स्पेस थी ये खाली थी। जब मैं मोबाइल लेने नीचे उतरा तब आके देख रहा हूँ, ये 2-4 किलोमीटर और ये जो लंबाई है वो और बढ़ गई है। तो किसानों का ये आंदोलन बहुत बड़े इसमें सक्सेसफुल है। आप देखिए फिर से एक बार। इतनी दूर मेरे कैमरे की भी रेंज नहीं जा रही है, और मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर दूर ये रैलियाँ इसी तरह से माहौल है। 25 किलोमीटर दूर यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पर आए हैं। और 11 बजे, बराबर 11 बजे ये गाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, चलना शुरू हो जाएंगी, और एक बहुत बड़ा दृश्य हम लोगों को देखने मिलेगा। शायद से ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रैली होगी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज होगा जहाँ पर इतने सारे लोग एट ए टाइम रास्तों के ऊपर है। और ये संख्या जो बताई जाती है, यानी ये तो सिर्फ ये गाजीपुर बॉर्डर है, ये तो सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर है। सिंघू बॉर्डर हो, ऐसे 3 बॉर्डर है, 3-4 लोकेशंस दिए हुए हैं। 25 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग आज यहाँ पर शामिल हैं। 25 लाख, यानी इतनी बड़ी संख्या में शायद ही वर्ल्ड में कोई आंदोलन ऐसा हुआ होगा जहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में लोग संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो काले कानून इन्होंने पास किए हैं उसको हटाने के लिए लोग रास्तों के ऊपर आ गए हैं। ये कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, लोग यही जो मोदी मीडिया है ये सिर्फ राष्ट्रपति भवन पर जो रैली हो रही है सिर्फ और सिर्फ उसे बताएगी, और अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है तो सिर्फ उसे वो बताने का काम करेगी। ये जो दृश्य है ये कोई भारत का मीडिया आपको नहीं बताएगा, बहुजनों का मीडिया के अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। नेशनल दस्तक हो या बहुजन टीवी हो या जो हमारे अम्बेडकराइट लोग आज यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दृश्य आपको वही लोग दिखा पाएंगे। मेरे कार्यकर्ता सारे नीचे आ चुके हैं, मुझे निकलना है, इसलिए मैं ज़्यादा देर आपको ये वीडियो नहीं बनाकर दिखा पाऊंगा। तो देखिए अब हमारी ही गाड़ियाँ तैयार हो चुकी है और हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं।